सर आप लोग भी यही सोचते हो कि आप लोग जब गेम खेलते हो तो आप लोग का यहाँ पर जो एम होता है वे एनिमी के हेड पे लॉक क्यों नहीं होता। अब गाइस देखो यहाँ पर आप लोग दो गलती करते हो। पहली तो गाइस आप लोग एक परफेक्ट सेंसिटिविटी सेटिंग नहीं रखते, जिसकी वजह से गाइस आप लोग का यहाँ पर सेंसिटिविटी सेटिंग सही नहीं रहता, उसकी वजह से आप लोग का यहाँ पर एनिमी के हेड पे एम लॉक नहीं होता है, ठीक है। एंड गाइस जो आप लोग का फायर आइटम का साइज है वो भी सही नहीं है, इस वजह से गाइस आप लोग को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब गाइस जो मेरी यहाँ पर सेंसिटिविटी सेटिंग है एंड जो मेरा फायर आइटम का साइज है मैंने दोनों एकदम परफेक्ट रखा है। एंड उसके बाद जो मेरे हेडशॉट लग रहे हैं वे आप लोग देखो। अब गाइस आप लोगों ने देखा कि मेरे कितने ज्यादा हेडशॉट लग रहे हैं। और गाइस जो मैं सेंसिटिविटी सेटिंग यूज करता हूं जिससे मेरा गाइस यहां पर 100% एनिमी के हेड पे एम लॉक होता है एंड एनिमी को हर एक बुलेट हेडशॉट लगती है। और गाइस जो फायर आइटम का साइज वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूं। सो गाइस आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग सच फ्री फायर के अंदर हेडशॉट मारना चाहते हो केवल सेंसिटिविटी सेट एंड फायर आइटम साइज को सही करके तो आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा। एंड अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो पहली बार है तो सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है कि सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी पे प्रेस कर लेना। और हाँ गाइस जरूर से आप लोग अपना फ्री फायर का लेवल एंड रैंक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम का नेम है गाइस यूनिक एफएफटिप्स। चलिए यार फाइनली आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमारी सेंसिटिविटी सेटिंग है उसको मैंने रीसेट कर दिया है। और गाइस मैं आप लोग के सामने एक बार फिर से रीसेट कर देता हूँ। यह गाइस सिर्फ फ्री फायर की डिफॉल्ट सेंसिटिविटी सेटिंग एंड इसमें नीचे से पहला ऑप्शन आता है गाइस सिर्फ फ्री लुक का, जो कि फ्री फायर की तरफ से डिफॉल्ट 65 प्रोवाइड कराया गया है। लेकिन गाइस सिर्फ फ्री लुक से तो कोई एम लॉक नहीं होता, फ्री लुक से कोई भी हेडशॉट नहीं लगता। लेकिन अगर आप लोग सोचोगे आप लोग का फ्री लुक अच्छे तरीके से वर्क करे जो कि आप लोग का 65 पे वर्क नहीं करता, लैग करता है, अटकता है, तो सिंपली आप लोग क्या करना है कि जो आप लोग की फ्री लुक की सेंसिटिविटी है उसको आप लोग गाइस यहां पर इंक्रीज करके 97 पे सेट कर देना। उसके बाद अगर आप लोग अपने फ्री लुक के बटन को थोड़ा सा भी रोटेट करोगे तो वह बहुत इजीली गाइस लेफ्ट राइट आगे पीछे रोटेट हो जाएगा एंड गाइस कभी भी आप लोग का अटकेगा नहीं, लैग नहीं करेगा। तो जरूर से यार आप लोग अपने फ्री लुक को 97 पे सेट कर लेना। यहाँ पर जो हमारी अगली सेंसिटिविटी सेटिंग है वह है गाइस यहाँ पर स्नाइपर स्कोप, जो कि फ्री फायर की तरफ से डिफॉल्ट 50 प्रोवाइड कराया गया है। अब गाइस स्नाइपर के अंदर एम लॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस आप लोग का जो यहाँ पर स्नाइपर है वह गाइस आप लोग देखो अगर आप लोग ऐसे नॉर्मली बुलेट फायर करते हो तो आप लोग का यहाँ पर गाइस एक भी बॉडी शॉट एंड हेड शॉट कनेक्ट नहीं होता। एंड अगर आप लोग को AWM से किसी प्लेयर को मारना पड़ता है तो आप लोग ऐसे स्कोप ओपन करके तब हेड शॉट या बॉडी शॉट मारते हो जिसमें बहुत टाइम लगता है एंड तब तक एनिमी आप लोग को मार के चला जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आप लोग क्या करना है कि यहां पर जो आप लोग की स्नाइपर स्कोप की सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज करके आप लोग 93 पे सेट कर देना। उसके बाद जो आप लोग का यहां पर स्नाइपर का वो सारा एम लॉक गाइस एनिमी के हेड एंड बॉडी पे होगा एंड आप लोग को स्कोप लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। सिंपली बस आप लोग फायर आइटम पे क्लिक करोगे एंड आप लोग का जो एम है वो गाइस एनिमी के बॉडी या हेडशॉट पे लॉक हो जाएगा स्नाइपर से, ठीक है। तो जरूर से आप लोग अपने स्नाइपर स्कोप को 93 पे सेट कर लेना। यहाँ पर जो हमारी अगली सेंसिटिविटी सेटिंग है वह है गाइस यहाँ पर 4x स्कोप, और ये फीफा की तरफ से डिफॉल्ट 65 प्रोवाइड कराया गया है। लेकिन गाइस अगर आप लोग इसमें अपने इस 4x स्कोप को ओपन करते हो तो गाइस आप लोग का यहाँ पर जो एम है वह गाइस एनिमी के बॉडी पे लॉक हो जाता है एंड आप लोग कितना भी ड्रैग कर लो आप लोग का यहाँ पर हेड पे एम लॉक नहीं होता। तो सिंपली आप लोग क्या करना है कि अपने 4x स्कोप की सेंसिटिविटी सेटिंग को इंक्रीज करके आप लोग 97 पे सेट कर देना। उसके बाद आप लोग का यहाँ पर स्कोप ओपन करते ही आप लोग का कुछ ऐसा हेडशॉट लगेगा एंड जो आप लोग का एम है वह गाइस एनिमी के हेड पे पूरा ही लॉक हो जाएगा 4x स्कोप ओपन करते ही, ठीक है। जरूर से आप लोग अपने 4x स्कोप को यहां पर गाइस 97 पे सेट कर लेना। यहाँ पर जो हमारी अगली सेंसिटिविटी सेटिंग है वह गाइस यहाँ पर 2x स्कोप, और ये फीफा की तरफ से डिफॉल्ट 75 प्रोवाइड कराया गया है। अगर गाइस आप लोग 2x स्कोप को 75 पे यूज करते हो एंड आप लोग स्कोप ओपन करते हो तो आप लोग का जो यहाँ पर एम है वह गाइस एनिमी के बॉडी पे लॉक होता है। आप लोग कितना भी ड्रैग कर लो लेकिन गाइस आप लोग का यहाँ पर हेड पे एम लॉक नहीं होता। एंड अगर आप लोग को हेड पे एम लॉक करना है तो सिंपली आप लोग अपने 2x स्कोप की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करके 100 पे सेट कर देना। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर 2x स्कोप को ओपन करोगे तो आप लोग का हेड पे एम लॉक हो जाएगा एंड गाइस आप लोग का मेरी तरह यहां पर बहुत ज्यादा हेडशॉट लगेगा। अगर आप लोग को ऐसे हेडशॉट मारना है तो आप लोग अपने 2x स्कोप की सेंसिटिविटी को 100 पे सेट कर लेना। यहाँ पर जो हमारी अगली सेंसिटिविटी सेटिंग है वह है गाइस यहाँ पर रेड डॉट, और ये फीफा की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी सेटिंग है जो कि फीफा की तरफ से डिफॉल्ट 85 प्रोवाइड कराया गया है। इस पर अगर आप लोग अपने रेड डॉट को यूज करते हो तो आप लोग का यहाँ पर गाइस पूरा बॉडी पे एम लॉक होता है एंड आप लोग का जो बुलेट है वह बहुत ज्यादा रिकॉइल करता है। इन सब चीज को सही करने के लिए सिंपली आप लोग क्या करना कि अपनी रेड डॉट की सेंसिटिविटी सेटिंग को इंक्रीज करके आप लोग गाइस यहाँ पर 100 पे सेट कर देना। उसके बाद गाइस आप लोग का यहाँ पर एक भी बुलेट रिकॉइल नहीं होगा। और गाइस बात करें यहाँ पर
पर हेडशॉट का, तो आप लोग का सारा बुलेट गाइस एनिमी के हेड पे लॉक हो जाएगा एंड आप लोग का कुछ मेरी तरह ऐसा हेडशॉट लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पर जो हमारी अगली सेंसिटिविटी सेटिंग है वह गाइस यहाँ पर जनरल सेंसिटिविटी सेटिंग और ये फीफा की तरफ से डिफॉल्ट 65 प्रोवाइड कराया गया है। अगर इस पे आप लोग अपने जनरल सेंसिटिविटी को यूज करते हो तो आप लोग का जो यहाँ पर फोन है वो बहुत हार्ड रोटेट होता है एंड आप लोग के एकदम मूवमेंट स्पीड नहीं हो पाता। और बात करें यहाँ पर हेडशॉट की, तो आप लोग का एनिमी के हेड पे एम लॉक होता नहीं, आप लोग का बॉडी शॉट लगता है। अगर आप लोग ज्यादा ट्राई करें तो आप लोग का जो एम है वह गाइस यहाँ पर हवा में चला, जिससे आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सिंपली आप लोग क्या करना कि अपनी जनरल सेंसिटिविटी को इंक्रीज करके आप लोग 100 पे सेट कर देना। उसके बाद जो आप लोग का यहाँ पर मूवमेंट स्पीड ऑफ वे गाइस एकदम मस्त हो जाएगा एंड आप लोग का फोन यहाँ पर थोड़ा सा भी लैग नहीं करेगा ना अटकेगा। और गाइस बात करें यहाँ पर हेडशॉट की, तो आप लोग का सारा बुलेट गाइस एनिमी के हेड पे लॉक होगा एंड आप लोग का बहुत ज्यादा हेडशॉट लगेगा। तो जरूर से यार आप लोग अपनी जनरल सेंसिटिविटी सेटिंग को भी 100 पे सेट कर लेना। ये तो बात हो गई हमारी एकदम मस्त सेंसिटिविटी सेटिंग की। अब गाइस यहाँ पर बात करते हैं फायर बटन साइज के बारे में। तो गाइस आप लोग मेरे फायर बटन का साइज देखो जो कि गाइस 46 है एंड पर्सनली मैं इसी फायर बटन साइज को यूज करता हूँ एंड फ्री फायर के अंदर बहुत ज्यादा हेडशॉट मारता हूँ। और गाइस आप लोग भी इस फायर बटन साइज को यूज कर सकते हो, नहीं तो गाइस अगर आप लोग का ये फायर बटन साइज वर्क नहीं करता, इससे आप लोग का हेडशॉट ज्यादा नहीं लगता, तो सिंपली आप लोग क्या करना कि जिस फोन के अंदर आप लोग गेम खेलते हो एंड वे कितने जीबी रैम का है वे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आप लोग के लिए गाइस यहाँ पर एक फायर बटन साइज का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो जरूर से गाइस आप लोग अपना फोन का नेम एंड गाइस रैम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। गाइस आई होप आप लोग को हमारी एम लॉक हेडशॉट सेंसिटिविटी सेटिंग की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ गाइस जरूर से यार आप लोग अपना फ्री फायर का लेवल एंड रैंक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का नेम है गाइस यूनिक एफएफ टिप्स। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नए शानदार सी वीडियो में। तब तक के लिए गाइस यार बाय बाय एंड सभी लोग को राधे राधे।